सबसे बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक विकास कुमारे यहाँ अभी नागपुर जनता के विकास में पिछड़ गए हैं। आइए देखते हैं जनता का क्या है कहना। हम लोग इस वक्त मौजूद है पाचपावली क्षेत्र में, जहां विकास कुंभारे यहां के जो विधायक है, जानते हैं उनके विकास के बारे में यहां के लोगों का क्या है कहना। जी, आपका नाम? महादेव शिखर। जी, आप बता सकते हैं कि यहां के जो विधायक है विकास कुंभारे, उनके विकास के बारे में क्या है कहना? नहीं, उसने विकास अच्छा ही किया हुआ है। अच्छा, विकास अच्छा किया है। हाँ, अच्छा किया है। और मैं तो नाम से यहाँ पर उसका अच्छा कार्यक्रम कार्य हुआ है, चालू है। लेकिन सिर्फ ये मंदिरों के बारे में तो अलग बात है, लेकिन रोड का विकास के अंदर अच्छा काम किया है। रोड का विकास उन्होंने अच्छे से किया है। अच्छा, और कोई अन्य और कोई मतलब रोजगार के लिए कोई रोजगार रोजगार के लिए रोजगार के लिए कुछ नहीं है रोजगार के लिए यहाँ कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन विकास उनका अच्छा चल रहा है। हाँ, विकास थोड़ा काम अच्छा किया, काम अच्छा चल रहा है। अच्छा, क्या आपको लगता है वो इस बार भी मतलब टिक पाएंगे? आपको लगता है कि वो इस बार भी टिक पाएंगे यहाँ? हाँ हाँ, यहाँ। अच्छा जी, आपका नाम? मेरा नाम किशन करनुके। अच्छा अच्छा, आप बताइए उनके विकास के बारे में। उन्होंने जो यहाँ कार्यक्रम किया है, यहाँ पे मुझे गटर लाइन वगैरह ये जो है रोड वगैरह अच्छे ढंग से बनाया हुआ है। अच्छा, गटर लाइन वगैरह से लेकर सभी की जो समस्या है, समस्या, हाँ, वो समस्या उन्होंने दूर की है। अच्छा, और कोई भी काम अगर रहा तो वो आते हैं और मतलब उनके सामने आते हैं और उनसे बात जी में उनका समाधान करते हैं। करते हैं, मतलब उनका प्रतिसाद अच्छा रहा। अच्छा रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है। चंद्रशेखर विशेखर। अच्छा अच्छा, आप बता सकते हैं यहाँ के जो विधायक हैं विकास कुमारे, उनके कार्यकाल कैसा चल रहा है और उनके विकास में कुछ तेजपना आया है या विकास के बारे में क्या कहना है? विकास के बारे में क्या कहना है, दिखी रहा ना विकास रोज का, रोजगार के बारे में वगैरह कुछ अच्छा प्रतिसाद? कुछ प्रतिसाद नहीं है, रोजगार लोगों को है नहीं, नहीं है। विधायक 10 साल से है, किसी ऐसी अच्छी बड़ी योजना आई नहीं है और कुछ हुआ नहीं है। युवाओं के लिए भी कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग के लिए नहीं है, कुछ अच्छा। नहीं है। पूरे मध्य नागपुर में विकास के नाम पे विकास ही रह गया है, वैसा ही हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, तैसा क्या वैसा ही है जी। अच्छा, और वोट बताने के लिए तो वोट है, आपका न्यूज चैनल कम हो जाएगा। नहीं नहीं बताइए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कैसा है हमारे समाज का है, इसलिए हम लोग वोट देते हैं मजबूरी में, हमारी एक मजबूरी है, बस हम मजबूरी के कारण वोट देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। विकास कोई हुआ नहीं है अभी भी, और कभी आने वाले 5 सालों में भी विकास होगा नहीं। अच्छा, सिर्फ वोट देंगे हम, बस वोटिंग। अच्छा, वोट देंगे बीजेपी के नाम पे। युवा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया है, रोजगार वगैरह कुछ आज भी कर, वो कोई कर भी नहीं सकते। अच्छा, और कोई बड़ी योजना ला भी नहीं सकते। अच्छा, क्यों, उनके में इतना पावर है नहीं कि जो बड़ी योजना ला के यहाँ के युवाओं को, मध्य नागपुर के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। बस वो गोलीबार चौक ही ठीक है उनके लिए, और गोलीबार चौक में रहना चाहिए उन्होंने, बाकी कुछ नहीं उनके लिए। बस ये समाज के नाम पे वोट देते हैं हम, और हमारे बीजेपी के कैंडिडेट है। अच्छा, इसलिए हम मजबूर है। यहाँ के जो नागपुर महानगर पालिका है, उनके कार्यकाल में कुछ रुकावट या फिर कुछ एनएमसी अच्छा काम कर रही है या एनएमसी अच्छा काम करती अच्छा अपना वाला कर बेचारे जमादार लोग आते हैं, साफ सफाई करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी विधायक के नाम पे तो कुछ है नहीं। यहाँ के जो बिजली क्षेत्र वगैरह या फिर बिजली का कोई परेशानी आपको? नहीं नहीं, परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पहले से जो है वही चल रहा है। सड़क तो बहुत अच्छी हाल है इसकी, और ये हाई रोड देख लीजिए, और आगे का रोड पीछे में बाजू में रोड है अपने वाले, वहाँ पे रोड देख लीजिए। उनके तो बहुत अच्छे हाल है, उनको बताने के फडणवीस साहब ने अगर आके देखेंगे तो थोड़े से गाड़ी ऊपर नीचे होंगी, बाकी कुछ नहीं होगा। यानी विकास सिर्फ उधर ही हुआ है, इधर कुछ विकास है ही नहीं, नाम के विकास है, विकास के नाम पे कुछ है नहीं। ये आपका कहना है? मेरा कहना नहीं है, लोगों का भी कहना है, जनता का कहना है। हम सिर्फ मजबूरी में वोट देते हैं, बस हम तो बार बार बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को भी मजबूरी में वोट देते हैं, कैंडिडेट दिया तो हम देंगे वोट। अच्छा, हमारे समाज का कैंडिडेट है, हम वोट देंगे, जिता के लाएंगे। और उन्होंने समाज को ध्यान में रखते हुए और मध्य नागपुर का विकास करना चाहिए जी। अभी 5 एक बार और चांस दे रहे तो विकास होना चाहिए, अगर इसके बाद में विकास नहीं हुआ तो विकास घर में बैठेंगे। धन्यवाद जी। आप बताइए क्या कहते हैं विकास के बारे में, विकास? अरे ये नहीं, ये
ये लोग बोला बोला क्या मराठी की चालते मराठी मध्ये पण चालते हिंदी मध्ये पण चालते बोला विकास केलेला आहे त्यांनी केलेला आहे अच्छा अच्छा म्हणजे काही समस्या सड़क मध्ये तर चांगलंच आहे म्हणतात पण विकास नाही होत आहे याबद्दल काय म्हणतात आता काय म्हणतात आता आपण काय करणार आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे ना पाहिजे तसा विकास नाही झाला आता तो कामात आपला कायमपुरता विकास करू केला आहे त्यांनी असा म्हणावत लागला आज जसं पाहिजे तसं विकास नाही आहे आता आउटसाईडला केलं असेल ती गोष्ट वेगळी परंतु या एरियामध्ये थोडस तेवढं समोर नाही वाजा समोर म्हणजे म्हणजे डेव्हलप नाही झालं डेव्हलप नाही झालं नाही झालं म्हणजे तेवढं आहे पण आहे थोडं पण जास्त नाही आहे विकास तेवढा नाही आहे अच्छा ठीक आहे मैं रवीना न्यूज रिपोर्टर कॅमेरामन पियुष के साथ धन्यवाद फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम में भी आप हमारे खबरें देख सकते हैं आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के कोलगेट मैक्स फ्रेश में है अनोखे कूलिंग क्रिस्टल जो करे ताजगी का धमाका माका एक ताजगी सी चली है हवाओं में कुछ बदला बदला सा है फिजाओं में ये दिन है मेरा ये दिन है तेरा हमारा है समा Max Fresh, ताजगी का धमाका